गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा दो का हिंदी व्याकरण पाठ 6 संज्ञा और लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग में जैसे बूढ़ा, मुर्गा, मोर, शेर और स्त्रीलिंग में बुढ़िया, मुर्गी, मोरनी, शेरनी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग में पिता तो स्त्रीलिंग में माता, पुल्लिंग में अगर बेटा तो स्त्रीलिंग में बेटी, पुल्लिंग में भाई तो स्त्रीलिंग में भाभी, पुल्लिंग में नर तो स्त्रीलिंग में नारी, पुल्लिंग में पाठक तो स्त्रीलिंग में पाठिका, पुल्लिंग में घोड़ा तो स्त्रीलिंग में घोड़ी, पुल्लिंग में बालक तो स्त्रीलिंग में बालिका, पुल्लिंग में कुत्ता तो स्त्रीलिंग में कुतिया, पुल्लिंग में बकरा तो स्त्रीलिंग में बकरी, पुल्लिंग में अगर हाथी है तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? हथिनी। पुल्लिंग में बाघ तो स्त्रीलिंग में बाघिन, पुल्लिंग में राजा तो स्त्रीलिंग में रानी, पुल्लिंग में मोर तो स्त्रीलिंग में मोरनी, पुल्लिंग में हिरण तो स्त्रीलिंग में हिरनी, पुल्लिंग में चूहा तो स्त्रीलिंग में चूहिया, पुल्लिंग में मालिक तो स्त्रीलिंग में मालकिन, पुल्लिंग में सेठ तो स्त्रीलिंग में सेठानी, पुल्लिंग में नौकर तो स्त्रीलिंग में नौकरानी, पुल्लिंग में पुत्र तो स्त्रीलिंग में पुत्रिका पुत्री सॉरी पुत्री, पुल्लिंग में शिक्षक तो स्त्रीलिंग में शिक्षिका, पुल्लिंग में मामा तो स्त्रीलिंग में मामी, पुल्लिंग में नाई तो स्त्रीलिंग में नाइन, पुल्लिंग में छात्र स्त्रीलिंग में छात्रा। तो बच्चों, लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपका पाठ जो है समाप्त हो गया। धन्यवाद।